टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की जो मार्च 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक दी गई है। तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है साइंस 1 की। तो यह हमारे फर्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, उसमें चार ऑप्शन में से एक हमें सिलेक्ट करना है। तो ये सारे 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन है, तो हमने चैप्टर वाइज ही यहाँ पे लिस्ट है। तो ये देखिए फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है। A dash is necessary to change the speed as well as direction of motion of an object. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्पीड पे जा रहा है या एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसकी स्पीड हमें बदलनी है, मतलब उसको स्पीड इंक्रीज करनी है, उसको और फास्ट भेजना है या स्लो करना है उसको, या उसका डायरेक्शन चेंज करना है, उस समझो लेफ्ट पे जा रहा है तो उसे हमें सीधे डालना है या राइट पे डालना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या अप्लाई करना होगा। तो वॉट इज नेसेसरी, इट्स सिंपल, इट इज फोर्स। तो इधर आंसर आएगा ए, फोर्स। सेकेंड है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज, और ये हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्टिकल। तो हम प्लैनेट जो है सन के अराउंड घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो हमने देखा है केपलर्स लॉज में कि ये ऑर्बिट जो है एलिप्टिकल है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती, सर्कल नहीं होता है, एक्चुअली एलिप्स शेप होता है। ये देखिए हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही ये है, ये एलिप्स शेप होता है। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो पॉइंट्स होते हैं फोकाई, F1 एंड F2। तो फोकस सिंगुलर है, प्लूरल में FOCII फोकाई हो जाता है। तो सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट की ऑर्बिट है। तो ये केपलर्स फर्स्ट लॉ से ही आया है, तो इसका आंसर क्लियर है, इट इज एलिप्टिकल। फिर थर्ड जो MCQ है वो है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब प्लैनेट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ को 365 डेज लगते हैं, तो ये टाइम पीरियड है। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, तो टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ है हमारी टेक्स्ट बुक में। ये देखिए ये केपलर्स सेकेंड लॉ और ये केपलर्स थर्ड लॉ। सो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑन द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ हमारा आंसर यहाँ पे भी क्लियर है, इट शुड बी क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब जितना दूर प्लैनेट होगा उतना स्लो उसका रेवोल्यूशन होगा, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका बढ़ते जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को, ऐसे। तो ये केपलर्स थर्ड लॉ है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दोस बॉडीज एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो कैपिटल एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब M1 M2 अगर दो मासेस है तो उनको मल्टीप्लाई करना है, तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन देम उसका हम इनवर्स प्रोपोर्शन लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये आंसर है यहाँ पे। ये देखिए हमारी बुक में है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियरली ये डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फॉर्मूला भी हमारा एफ प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। और प्रोपोर्शन साइन हटा के हम इक्वल टू साइन करके कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे कैपिटल जी, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, है ना। उसकी यूनिट, उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो उसकी वैल्यू ये है, याद रखिए लिखा है ना, वैल्यू ऑफ जी 6.673 इनटू 10 रेस टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी डिनोमिनेटर में, तो केजी स्क्वायर लाइन करके पर केजी स्क्वायर कर सकते हैं, केजी के यहाँ -2 का डाल सकते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर में अगर -2 आया तो ये इसकी यूनिट और ये वैल्यू है कॉन्स्टेंट की। तो यहाँ पे हमारा आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, और ये हमारा नेक्स्ट जो MCQ है फिफ्थ वाला वो यही है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये देखिए 10 रेस टू माइनस 11, तो हमें क्लियरली इसको सिलेक्ट करना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मीटर पर केजी दिया है, गलत है, और -11 आना चाहिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी हमारी बुक में मेंशन है, ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। फिर नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब स्मॉल जी इज डैश। तो स्मॉल जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन वो वेरी करता है, ये हमारी बुक में पूरा दिया है, इट इज हाईएस्ट एट द पोल्स। हमने देखा है अर्थ का शेप भी एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, अर्थ इज फ्लैटर एट द पोल्स एंड इलॉन्गेटेड, यू नो बल्जिंग एट द इक्वेटर।
तो इसीलिए हमारा जो ग्रेविटी, ये देखिए, चेंजेस अलोंग वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, तो कैपिटल जी ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये देखिए, वैल्यू ऑफ जी इज हाइएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल्स एंड लोवेस्ट 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर, है ना. तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा हमारा, ये देखिए, इट्स हाइएस्ट एट द पोल्स. और एक क्वेश्चन वही है, वैल्यू कितनी है इक्वेटर पे, अभी हमने देखा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश. तो इसका आंसर है वैक्यूम. ये भी हमने देखा है हमारी टेक्स्ट में, गिव रीजंस भी है इस पे, ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है. तो ये देखिए यहाँ पे, तो अगर हम एटमोसफियर जहाँ है, जैसे अर्थ पे हम अगर कुछ ऑब्जेक्ट को गिराएंगे नीचे, तो वो सेम टाइम पे जैसे नीचे नहीं आता. हमने एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी देखा था कि कैसे एक स्फेरिकल बॉल और फेदर को गिराया जाता है, तो बॉल पहले आता है, फेदर बाद में आता है. तो ये अर्थ पे होता है, लेकिन अगर वैक्यूम होगा तो बोथ विल कम टुगेदर. सो अर्थ पे फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स जो एटमॉस्फेयर का होता है, उस वजह से ये नहीं होता. तो फ्री फॉल, ये देखो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, नो एटमॉस्फेयर ऑल्सो. तो ये नाइन्थ का आंसर आएगा वैक्यूम. टेंथ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. तो ये आंसर है 1/6. तो ये हमारा टेक्स्ट बुक में है, यहाँ मेंशन है, देखिए 1/6. तो एक्चुअली मास तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सली कांस्टेंट होगा. हमारा मास जो केजी में, वो कहीं चेंज नहीं होता, पर जो हमारा वेट है, वेट की यूनिट न्यूटन, कैपिटल एन न्यूटन है. वेट इज जस्ट लाइक फोर्स, तो एम इंटू जी होता है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ. तो वेट भी 1/6 होता है. तो इसका आंसर यहाँ पे 1/6. और 11th क्वेश्चन इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल जैसा है, कि अगर अर्थ पे वेट 60 न्यूटन्स है, तो मून पे कितना होगा, तो डिवाइड बाय 6 करना है, तो आएगा 10 न्यूटन्स. तो ये हमारे एमसीक्यूज थे फर्स्ट चैप्टर से. अब देखते हैं सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज. 12th क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, डॉबरेनर लेड डाउन द डैश रूट. तो डॉबरेनर ट्राइड है, ये एक्चुअली मिस्टेक है, ऑक्टेव्स का ये आ गया, ये TRIAD ट्राइड आना चाहिए. तो डॉबरेनर लेड डाउन द रूल ऑफ ट्राइड, ट्राइड रूल, डॉबरेनर ट्राइड. यहाँ पे इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको साइंस वन साइंस टू के ऑल 20 चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए, और चैप्टर वाइज सारे, नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन पूरा सॉल्व पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अंदर आपको इवन साइंस वन एंड साइंस टू का जो चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोज है, वो भी कम्प्लीट मिलेगा आपको. तो आप पूरे चैप्टर का, कोई भी पार्ट का आपका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए हो, तो उसको वीडियोज के थ्रू आप देख सकते हैं. प्लस यू विल ऑल्सो हैव इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, जिसके अंदर आपके कोई भी डाउट्स है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे वो इन लाइव क्लास. ये देखिए डॉबरेनर्स ट्रायड्स का, ये रहा डॉबरेनर्स ट्रायड्स. तो उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. उन्होंने देखा बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द एरिथमेटिक मीन, है ना, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, द फर्स्ट एंड थर्ड. तो ये ट्रायड है, न्यूलैंड का, फिर ऑक्टेव्स आता है ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल अप टू विच एलिमेंट, तो इट्स एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. तो इन्होंने भी एटॉमिक मास यूज किया, हमने देखा है डॉबरेनर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में भी एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. बाद में इवन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल यूज एटॉमिक मास, लेकिन करेक्ट तरीका है एटॉमिक नंबर के थ्रू, जो मोजली ने किया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा. तो ये देखिए यहाँ पे है न्यूलैंड्स लॉ, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. तो ये आंसर आएगा हमारा कैल्शियम. 14th क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हिच ओबे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिटवीन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर. तो आंसर है 6 and 13. ये कैसे आएगा हम समझेंगे अभी. तो x एंड y अगर दो एलिमेंट्स है, जैसे सेम कॉलम में होंगे, तो सेम कॉलम में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है ना. ये देखिए कैल्शियम यहाँ पे. तो अगर ये दो एलिमेंट्स है x और y है, तो इनके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं. तो मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना. ये फर्स्ट एलिमेंट है और 6 हो गए, मतलब टोटल 7, और फिर ये 8th एलिमेंट है. तो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 6 हो गए बराबर. और
क्यों 8 - 2 क्यों किया, मतलब क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ये तो दोनों इनको इनको सेपरेट करना होगा, इनको एलिमिनेट करना होगा, तो बाकी के 6 बचे. तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 6 एंड मैक्सिमम कितने हो गए, अगर ये समझो हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो कितने हो गए फिर, अगर इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी या कोई भी लो बेरिलियम और कैल्शियम भी लो उतनी आएगी. कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना, क्योंकि अब बीच का एलिमेंट भी काउंट हो रहा है तो ये 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो ये आंसर हमारा है, आप काउंट करके क्लियरली देख सकते हैं 6 and 13 आएगा, राइट. देन 15th क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव डैश एलिमेंट्स वन नोन. तो मेंडेलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स वन नोन, ये भी हमारे टेक्स्ट में मेंशन है, ये देखिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. फिर 16th क्वेश्चन है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एका सिलिकॉन वॉज लेटर रीनेम्ड एज, लेटर उनका एका सिलिकॉन का नाम रखा जर्मेनियम. तो तीन एलिमेंट्स का नाम उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये तीन एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये तीनों नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन. और इनके जब डिस्कवर हुए इनके नाम जो रखे गए वो है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली. मतलब बोरॉन इज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम एंड सिलिकॉन, एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम. तो ये आंसर हमारा जर्मेनियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता ही है और आ सकता है, तो ये है जर्मेनियम. फिर 17th है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश. एक्चुअली कॉलम्स नहीं होता, ग्रुप्स होता है, पर वो ट्रांसलेशन में ऐसे हुआ है. नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक, कॉलम्स फॉर्म ही होते, ग्रुप्स वर्टिकली होते, पर उनको करेक्ट नेम उनको ग्रुप्स है. तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स कितने होते हैं, ग्रुप्स 18 होते हैं, पीरियड 7. ये तो हमने किया ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको इतना तो अभी पता ही होगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स, 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स, तो ये हमारा आंसर 18 चल रहा है, पहले ग्रुप्स फिर पीरियड्स, तो 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स. पीरियड्स आर स्लीपिंग लाइंस हॉरिजॉन्टली. फिर 18th है, डैश इज द आउटरमोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2. तो पीरियड 2 में अगर एलिमेंट्स है तो फर्स्ट पीरियड में एक ऑर्बिट होती है, और एक ऑर्बिट में ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो के ऑर्बिट का नाम है के शेल, शेल या ऑर्बिट दोनों का मतलब सेम ही होता है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके आएगा, एक यहाँ पे एक आगे और ऐड हुआ, तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम हुआ. सेकेंड पीरियड में फिर सेकेंड शेल ऐड होती है, मतलब के बाद कैपिटल के बाद कैपिटल एल शेल होती है, तो एल शेल ऐड होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा, मतलब एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं ना, दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. तो ये नंबर 3, नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ पे बीच में एक गैप होता है फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में यहाँ एलिमेंट्स नहीं है, है ना. तो ये देखिए, तो यहाँ पे 8, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में भी 8, फोर्थ शेल में फिर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये यहाँ से फोर्थ शेल से शुरू होता है, के एल एम एन. तो ये एल शेल में कितने हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है. हमारा सवाल क्या है कि इन द फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा, कैपिटल एल, सेकेंड और शेल होगा ना मैक्सिमम, तो ये एल आएगा. और ग्रुप्स 1 and 2 कॉन्स्टिट्यूट डैश ब्लॉक. तो ये पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है जो नीचे दी गई है, ये है ना, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं. और ये देखिए यहाँ पे लिखा है एस ब्लॉक जो है दैट इज ग्रुप 1 and 2, यहाँ पे मेंशन्ड भी हमारी बुक में, ऊपर एस ब्लॉक 4 ब्लॉक्स है. एस ब्लॉक मीन्स ग्रुप 1 and 2. ग्रुप 13 to 18 इज पी ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 इज डी ब्लॉक, है ना, और लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक. और डी ब्लॉक का दूसरा नाम 3 to 18 ग्रुप है, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो यहाँ हमारा 19th क्वेश्चन ग्रुप्स 1 and 2 इज एस ब्लॉक. फिर नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप. तो अगर एटॉमिक नंबर कौन सा है जो सेम ग्रुप में हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया, तो एटॉमिक नंबर 11 मतलब कितना है इसका, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 8 एंड देन नेक्स्ट थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2, 8, 1 है. 19 के लिए क्या है, 2, 8, 8, 1. तो आउटरमोस्ट शेल में अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब दे आर इन द सेम ग्रुप. तो दीज टू आर हैविंग आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इन द सेम ग्रुप. यहाँ पे ऐसा नहीं होता,
ये 2.4 है, ये 2.8.2 है, तो ये बाकी तीनों में आप देख सकते हैं नहीं होता, इट्स ओनली हियर बोथ द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1 हियर. तो आंसर यहाँ पे ये है. 21 है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली. तो यहाँ पे है ऑप्शन है मैग्नीशियम, Na मतलब सोडियम, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. तो इन चारों में से इलेक्ट्रॉन लूज कौन इजीली करेगा, मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा है. तो ये चारों में से जो हम देखेंगे, अगर ऑर्डर देखेंगे हम इनका टेबल में, और इवन अगर हम देखेंगे कौन से ग्रुप में, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सारे सेम पीरियड में, देखिए थर्ड पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, तो सेम पीरियड है ना? लेकिन ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 13 है एंड ये ग्रुप 17 है. तो जैसे हम ग्रुप आगे बढ़ेगा तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इंक्रीजेस. इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो, यहाँ तीन, चार, पांच, छह और यहाँ सात. तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन किसके लिए इजी है, जिसके पास कम है. तो सबसे कम सोडियम के पास है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सोडियम. लूज इलेक्ट्रॉन इजी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में. फिर 22nd क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट. लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है. अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ जो चार एलिमेंट्स दिए, देखिए सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम एंड कैल्शियम. तो अगर हम इन्हें पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये देखिए सोडियम और मैग्नीशियम आर इन पीरियड 3, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर इन पीरियड 4. तो अगर हम पीरियड में देखेंगे तो एटॉमिक साइज हमारा सवाल क्या है, विच हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट. लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब सबसे बड़ा एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होना चाहिए. तो जैसे जैसे हम और एक शेल ऐड करते हैं तो ऑफकोर्स एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे थर्ड पीरियड में 3 शेल्स है, फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स है, तो ऑफकोर्स पोटेशियम कैल्शियम का बड़ा एटॉमिक साइज है सोडियम मैग्नीशियम से, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. पोटेशियम और कैल्शियम में से किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो अब कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में होते हैं, हर एक शेल में होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में गोल घूम रहे होते हैं, जैसे एक शेल में, दूसरे शेल में, तीसरी ऑर्बिट में, ऐसे गोल गोल घूम रहे होते. तब ये दोनों पोटेशियम और कैल्शियम दोनों में आउटरमोस्ट ऑर्बिट कितनी है, 4 शेल से, तो आउटरमोस्ट शेल फोर्थ शेल, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है फोर्थ शेल में, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पे, एटॉमिक साइज तो उनकी उतनी होगी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्शन वो होता है, जिसकी वजह से शेल सिकुड़ते जाता है. तो मतलब कि एटॉमिक साइज अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा फर्स्ट एलिमेंट इन दैट पीरियड की होती है, मतलब पोटेशियम की. कैल्शियम में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो और वो पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो और अट्रैक्ट हो गए, तो एटॉमिक रेडियस जो कम होते जाता है अलोंग द पीरियड. तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज पोटेशियम की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हमें. 22nd क्वेश्चन. देन 23rd क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. तो मेटालिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे सोडियम सिलिकॉन क्लोरीन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है. क्लोरीन तो हेलोजन है, 17th ग्रुप, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, है ना, नॉन मेटल है ये. तो ये है, और फिर इनर्ट गैसेस होते हैं हैलोजन्स के बाद, तो इनर्ट गैस तो कोई यहाँ दिया नहीं है, तो क्लोरीन तो लास्ट में आएगा, ये भी इतना आपको पता है तो आप डायरेक्टली ये सिलेक्ट कर सकते हैं. बाकी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये ऑर्डर है, ये देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, लास्ट में क्लोरीन आएगा. इवन इफ यू नो दैट क्लोरीन इज अ हैलोजन, सेकेंड लास्ट है आफ्टर बिफोर इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज क्लोरीन आता है, तो ये लास्ट में आया इतना पता है तो आप ये बी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इन सब में से क्या इंक्रीज नहीं होता, मतलब ये चारों में से 3 चीजें इंक्रीज होती है, एक नहीं होती इंक्रीज. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारा एक क्लियर डायग्राम है हमारी बुक में, ये देखिए यहाँ पे ये क्या क्या इंक्रीज और डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक ट्रेंड्स पेज 26 पे. तो एटॉमिक रेडियस जैसे हम डाउन जाते जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ना. ये देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. तो यहाँ पे हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स भी हमें पता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑफकोर्स नंबर ऑफ शेल्स भी एक एक इंक्रीज होते जाते हैं जैसे हम नीचे जाएंगे. तो ये 3 चीजें तो इंक्रीज होती है, वैलेंसी नहीं इंक्रीज होती, वैलेंसी रिमेंस द सेम इन अ ग्रुप, वैलेंसी रिमेंस द सेम ना. जैसे सब एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप हैव वैलेंसी 1,
आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उनके वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम, दैट डज नॉट इंक्रीज. इसका आंसर आएगा सी, वैलेंसी. 25th क्वेश्चन है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम. तो अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, जो हमने पोटेशियम का आंसर दिया था, तो ये देखिए यहाँ पे, ये अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज ऑफ द एटम क्या होगा. साइज ऑफ द एटम लेफ्ट टू राइट में जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन एड होता जाता है तो एटोमिक रेडियस जो होता है सिकुड़ते जाता है. तो ये देखिए अलॉन्ग द पीरियड अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे सेम पीरियड में एटोमिक रेडियस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम इन अ पीरियड बट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो ये आंसर हमारा आएगा साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 26th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट. तो कितने कॉलम्स और ग्रुप्स है. कॉलम्स है, कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और रोज को बोलते हैं पीरियड्स. तो रोज आर नोन एज पीरियड, कॉलम्स नोन एज पीरियड्स गलत है. और रोज कितने, 7 है या 18 लिखा है, तो ये गलत है. तो ये यहाँ पे क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, ये सही है. बाकी तीन ऑप्शन सही नहीं. 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स. तो एक्चुअली यहाँ पे डी आप देखोगे तो डी भी सही है, लेकिन ये ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ है. अगर हम मराठी का पेपर देखेंगे 26th क्वेश्चन, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आवर्त और गण. तो आवर्त मतलब पीरियड, 18 हॉरिजॉन्टल रोज, ओडी मीन्स लाइंस, तो आड़वा मतलब स्लीपिंग, उभया मतलब स्टैंडिंग. तो ये जो है यहाँ पे आवर्त मारता, ये सही लिखा है यहाँ पे फर्स्ट में, और बाकी तीनों में गण है, गण मतलब ग्रुप. लेकिन यहाँ पे कैसा दिया है, यहाँ पे ट्रांसलेशन में फर्स्ट में पीरियड लिखा, यहाँ पे ग्रुप ग्रुप होना चाहिए, वो नहीं किया है ना. तो ये एक्चुअली गलत हो जाता है, यहाँ पे पीरियड नहीं आएगा, ग्रुप आएगा. तो ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है. आंसर एक ही सही था, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, है ना. यहाँ पे ये देखिए गण मतलब ग्रुप, तो ये भी गण ग्रुप होना चाहिए ना. यहाँ पे अगर ये लिखेंगे तो ये तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ये करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप्स ही लिखा होना चाहिए, गलत ऑप्शन है ये. 27th क्वेश्चन है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देखा था, एसपी डी एफ चार ब्लॉक्स होते हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. 28th है, साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स. तो साइज ऑफ एन एटम रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस होता उतना बड़ा एटम है, मतलब है ना, एटॉमिक रेडियस. तो ये आंसर रेडियस आएगा, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नहीं है. नंबर ऑफ शेल्स है, पर नंबर ऑफ शेल्स तो एक ही पीरियड में सेम होता है, फिर भी रेडियस अलग होता है, साइज ऑफ एटम अलग होता है. तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, रेडियस. 29th क्वेश्चन है, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो न्यूक्लियस और ऑफ द एटम एंड आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस कितना होता है, ये एक्चुअली रेडियस ही है ना, तो एटॉमिक रेडियस आएगा आंसर. ये सब हमारी बुक में लिखा है, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर, है ना. ये हम देखेंगे, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटरमोस्ट शेल, एटॉमिक रेडियस, यूनिट पिकोमीटर. तो ये सारा टेक्स्ट बुक से ही सवाल है ये. 31st क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. कैटायंस और एनायंस बनते हैं, तो कैटायंस मेटल्स बनाते और एनायंस नॉन मेटल्स. तो ये हमारी बुक में भी लिखा है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है हमारा चैप्टर 2 का यहाँ लिखा है, देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पे कैटायंस फॉर्म फ्रॉम अ मेटल, एनायंस फ्रॉम अ नॉन मेटल. तो ये यहाँ पे क्लियरली हमारा आंसर है, इधर मेटालिक कैरेक्टर आएगा. 31st क्वेश्चन, फॉर्म कैटायंस इज मेटालिक कैरेक्टर, और देखिए 34th क्वेश्चन है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायंस, तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर. बीच में 32nd एंड 33rd भी है, ये देखिए, डैश इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हेलोजन फैमिली. तो हेलोजन फैमिली में क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म, आयोडीन सॉलिड होता है, है ना. आयोडीन नमक में आयोडीन डालते हैं तो सॉलिड होता है ये, आयोडीन इज सॉलिड, क्लोरीन फ्लोरीन आर गैसेस एंड ब्रोमीन इज लिक्विड. तो ये याद रखना हमें, ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म इन हेलोजन फैमिली. फिर ये एक्चुअली फिर से रिपीट भी होता है, हमारे चैप्टर 8 में भी आता है साइंस 1 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें भी. फिर 33rd क्वेश्चन है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस डैश. तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मतलब हर बार हम नीचे जाएंगे ग्रुप में, एक एक तो एक एक एटॉम एक एक शेल ऐड होते जाती है, तो एक एक शेल ऐड होगी तो ऑफकोर्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाएगा. तो ये आंसर है इंक्रीजेस. 34th क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन, ये अभी हमने देखा नॉन मेटालिक कैरेक्टर. और जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस, तो आंसर आएगा नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस. अल्कलाइन मेटल्स आर इन ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन ग्रुप 2, हैलोजन्स आर इन ग्रुप 17 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और लास्ट ग्रुप जो ग्रुप 18 उसे जीरो ग्रुप कहते हैं, वो नोबल गैसेस है. तो ये जीरो ग्रुप एक्चुअली यहाँ पे हम इसका नाम यहाँ
हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में दिया गया, इसको जीरो ग्रुप करके ऐड किया गया था, तो ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है, नोबल गैसेस। फिर अब आते हैं हमारे चैप्टर थ्री पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज डैश। तो केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल फॉर्मूले यूज करके लिखते है ना, कि ये दो रिएक्टेंट्स है, एरो बनाते, फिर दो प्रोडक्ट्स लिखते, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ये 37th वही लिखा है, 37th नहीं, आगे 37th क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड एज, इसका आंसर है ऑक्सीडेशन। ये सब टेक्स्ट बुक से ही, हमने ऑक्सीडेशन जब डिस्कस किया था, जब चैप्टर 3 एक्सप्लेनेशन था, तब हमने ये सब कवर किया है। ये देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो यहाँ दिया गया है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अलग डेफिनेशन भी है यहाँ पे। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन इंक्रीजेस और नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, तो ये देखिए ऑक्सीडेशन। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस और नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो नेगेटिव चार्ज लूज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स है ही पॉजिटिव चार्ज के, तो वो इंक्रीज हो रहे, वो चेंज नहीं हो रहे, खाली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे, तो दैट इज ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज कम होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन में उल्टा होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये याद रखना है, दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 38th क्वेश्चन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज है, एक ही रिएक्टेंट है, उसके दो या ज्यादा टुकड़े हो गए, प्रोडक्ट्स बन गए, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। ये तो ये चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी बुक में, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट टुकड़े होकर दो या ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ दो या ज्यादा कंबाइन होते हैं। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्प्लेस होता है, जैसे यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया, ये देखेंगे तो और समझेगा। 39th बहुत ही सिंपल है, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, बीच में एरो होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 का, ये है एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 इज एडेड इनटू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ BaCl2 मतलब जिंक सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, तो यहाँ पे ZnCl2 एंड BaSO4 बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक्सचेंज कर लेते अपने पार्टनर्स ऐसे, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हमने किया है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में जो ये टेबल है यहाँ से भी पूछा गया, ये देखिए ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन ये है, दो चीज कंबाइन होकर एक चीज जब बनती है, जैसे H2O+CO2, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, H2CO3 बनता है कॉम्बिनेशन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन, ये AgCl, Ag+Cl2 बना, तो ये डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट ये है CuSO4+Fe, तो FeSO4+Cu, ये अकेला था लेकिन इसका पार्टनर इसने ले लिया, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट ये वाला है जो हमारा MCQ में क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये दोनों BaSO4+ZnCl2 बनाते, तो तीनों कॉलम्स को यहाँ अरेंज करने का ये सवाल है, तो MCQ भी यहीं से लिया है, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ हमारे 3 चैप्टर्स के MCQs कवर होते हैं। इसका वीडियो आपके लिए PDF में दिया गया है इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम MCQs तो यहाँ कवर कर रहे हैं, आपको अगर चैप्टर वाइज कंप्लीट टोटल सॉल्यूशन चाहिए हर एक चैप्टर का, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। ऑल्सो हमारी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2022 के लिए भी 10th स्टैंडर्ड की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बैचेस स्टार्ट हो रही है। सो ये देखिए हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी होगी, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स चाहिए सारे तो वो भी मिलेंगे, वेरी रीजनेबल फीस है। And the batch is starting from 15th of April. You can get more details here. You can join and attend free classes initially too. अगर आपको live classes लेने हैं या recordings का भी आपको demo चाहिए तो आप देख सकते हैं. You can call this number for further details. Wish you all the very best. Thank you.